बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार कली भजन चार। अमृत वेले उठ जिज्ञासु फिर श्वास की माला रे। अमृत वेले ओठ जिज्ञासु फिर श्वास की माला रे। सतगुर के मूरत का मन में धरिए ध्यान विशाला रे। गुरु मंत्र में सुरत समाओ जग से हो निराला रे। अमृत वेले उठ जगे आसू फेर श्वास लाभ कमल से प्राण उठाए। दसम द्वार कर आला रे। नाद अनाहद बाजत ताही सुनिए शब्द रसाला रे। अमृत वेले उठ जिज्ञासु फेर श्वास गी फेर श्वास। लाड़ कुंडलनी को जागाए खोलो अनुभव ताला रे। कोटि रवि शशि आदि ज्योत का तह पर चंड उजाला रे। अमृत वेले उठ जिज्ञासु फिर श्वास फिर श्वास। पाप ताप नहीं हर्ष शोक पुन जहान काल कराला रे। कहते हूँ तह चल कर देखो आत्म पुरुष अकाला रे। अमृत वेले उठ जिज्ञासु फेर श्वास की माला रे। अमृत वेले उठ जिज्ञासु फेर श्वास की फेर श्वास। राग रामकली भजन चार। अमृत वेले उठ जिज्ञासु फेर श्वास की माला रे। ठीक। रामकली राम राग के इस भजन में जिज्ञासु को श्री गुरु महाराज जी उपदेश देते हैं कि प्रातःकाल अमृत वेले को निद्रा का त्याग करके जागो। जिज्ञासु का अर्थ है जिसके मन में आशा जगी जिज्ञासा जगी वही जिज्ञासु है। और श्वासों से नाम का सुमरण करो। श्वासों रूपी माला जो निरंतर चलती रहती है श्वास और प्रश्वास उन श्वासों के साथ गुरुदेव के नाम को जोड़ के उसका जाप करो। सदगुरु की मूरत का मन में धरिए ध्यान विशाला रे। मन को स्थिर करने के लिए गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करो। गुरु मंत्र में सुरत समाओ जग से होए निराला रे। गुरुदेव का जो मंत्र है पावन उसमें अपने मन की सुरति को मिला दो। सुरत लगे गुरु शब्द में मन मूरत के माह। कहते हूं तस दास को यमपुर का दुख ना है।
जो मन अनंत प्रकार के संकल्प विकल्प करता है, उस मन के संकल्प शांत हो जाएंगे। नाभ कमल से प्राण उठाए, दसम द्वार कर आला रे। मूलाधार चक्र नाभि कमल से श्वास उठा करके ऊपर ले जाए श्वासों को। ये योग की कला जो योग के साधक है उनके द्वारा ही संपन्न होती है, लेकिन श्वासों के साथ जप करना ये प्रत्येक जिज्ञासु इस कार्य में समर्थ है, वो कर सकते हैं। तो दसम द्वार जो सहस्रार चक्र है वहां तक श्वासों को उठाया जाता है। नाद अनाहत बाजत ताही सुनिए शब्द रसाला रे। अनहद नाद बिना आहत बिना चोट के जो आवाज हो उसे अनाहत नाद कहते हैं, जो निरंतर ब्रह्मांड में शब्द गूंज रहा है। धीरे धीरे श्रवण इंद्रिय के द्वारा उस शब्द को सुमरण करो। शब्द रसाला जो रस से भरा हुआ शब्द है उस पे ध्यान लगाओ। नाद कुंडलिनी को जागाए खोलो अनुभव ताला रे। श्वासों के साथ जप करते करते कुंडलिनी शक्ति स्वयं जागृत हो जाएगी। कोट रवि शशि आदि ज्योतिका तहां प्रचंड उजियाला रे। परम प्रकाश का वहां पर दर्शन होगा। कोटि माना करोड़ सूर्य चंद्रमा उनसे भी जो अधिक ज्योति है, चमकती हुई ज्योति, उस प्रचंड ज्योति का दर्शन करो। पाप ताप नहीं हर्ष शोक पुन जहां न काल करारा ले। उस स्थिति में पहुंच जाओ जहां पे पाप नहीं, त्रताप नहीं, आदि व्याधि उपाधि नहीं, हर्ष शोक नहीं और काल का भय नहीं। कहे टेहूं तह चल कर देखो आत्म पुरुष अकाला रे। अकाल पुरुष का वहां पर दर्शन करो, दिव्य दीदार प्राप्त करो। तो उस भजन में भी गूढ़ साधना के विषय में गुरु महाराज जी संकेत देते हुए जिज्ञासु को साधना करने की प्रेरणा देते हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेमसा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ,
सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर दृष्टि उन्मेषनी सर्व व्याधि विनाशनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।